हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सारे के सारे लॉन्ग सम देख लिए थे और बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम शॉर्ट सम स्टार्ट करने वाले हैं। मैं फिर से एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि लॉन्ग सम बोर्ड की एग्जाम में नहीं आते हैं, ओनली शॉर्ट सम आते हैं जो अब हम करने वाले हैं, और वो भी 3 मार्क्स के होते हैं। ओके, सो आज हम इलस्ट्रेशन 1-5 देखेंगे और एक्सरसाइज में सम नंबर 3 में 1-5 नंबर के जो सम हैं वो आपको होमवर्क में देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे जैसे सम करेंगे वैसे ही सेम टू सेम सम वहाँ पे है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सम। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा है, कुछ ऐसा है। हिरल विड्रॉल ₹500 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो ऐसा कुछ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, राइट। सो आपको मैंने बोला भी था कि अगर बिगनिंग बोला है तो 78/12 आएगा, और एंड बोला है तो 66/12 आएगा। ऐसा कुछ हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, तो उसका यूज होगा यहाँ पे। देखते हैं, इफ 10% पर एनम इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन ड्राइंग्स डिटरमाइन एनुअल ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स। सो सबसे पहले हम एनुअल ड्राइंग देखते हैं। सो एनुअल ड्राइंग कितना होगा, तो पर मंथ का ड्राइंग कितना है, ₹500 इंटू ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। सो 500 इंटू 12, सो टोटल अमाउंट इज 6000। सो ये 6000 मिला, वो मिल गया एनुअल ड्राइंग। अब हम फाइंड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करने के लिए यहाँ पे बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ बोला है, तो आपको मैंने बोला था कि एवरी मंथ का ड्राइंग लेते हैं। मंथ का ड्राइंग है 500 इंटू जितना परसेंट इंटरेस्ट बोला है उतना, यानी कि 10% इंटरेस्ट रेट इंटू बिगनिंग है, यानी कि 78/12 करेंगे। सो कैलकुलेशन प्लीज, 500 इंटू 10% इंटू 78/12, सो अमाउंट इज 325। सो ये हमारा फर्स्ट सम सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड सम। सो सेकंड सम ये रहा आपका नंबर 2। हंसा, हितेश एंड विजय आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। देयर कैपिटल रेशियो इज 3:2:1। ध्यान से देखना, यहाँ पे कैपिटल रेशियो दिया है, पीएनएल रेशियो नहीं है। ओके, क्योंकि अक्सर यहाँ पे आप लोग गलती करते हो, ये रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट शेयर कर देते हो, बट दिस इज नॉट अ पीएनएल रेशियो, दिस इज अ कैपिटल रेशियो। नेक्स्ट, हितेश इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर। यानी कि हितेश को 10% कमीशन देना है, और वो भी आफ्टर डिडक्शन बोला है, नेट प्रॉफिट है उसका आफ्टर डिडक्शन बोला है। ओके, सो देखते हैं, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव बाय हितेश व्हेन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,65,000। सो यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया है 1,65,000। सो सबसे पहले हम हितेश का कमीशन फाइंड करेंगे, तो देखते हैं हितेश कमीशन इज इक्वल टू जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट इनटू जितना परसेंट बोला है उसका 100 में हम प्लस कर देंगे। ये आपको बड़े सम में भी मैंने बोला था, याद है ना,
आफ्टर डिडक्शन बोला है और आपको नेट प्रॉफिट दिया है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट है। अगर आपको डिविजेबल प्रॉफिट दिया होता तो डायरेक्टली 10% करते। ओके, वो कैसे, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। देखो, तो प्रॉफिट है 1,65,000 इंटू 10/110, सो आंसर मिलेगा 15,000। सो हमको कमीशन मिल गया 15,000। अब हम फाइंड करेंगे डिविजेबल प्रॉफिट। सो डिविजेबल प्रॉफिट कैसे मिलता है, तो नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन। नेट प्रॉफिट में से हमको कमीशन दे देना है। नेट प्रॉफिट था 1,65,000, उसमें से कमीशन 15,000 दे दो तो अमाउंट मिलती है 1,50,000। अब देखो यहाँ पे थोड़ा अलग से इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो देखो, अगर आपको यहाँ पे डिविजेबल प्रॉफिट दिया है और बोला है कि 10% कमीशन देना है आफ्टर डिडक्शन, तो डिविजेबल प्रॉफिट इनटू डायरेक्ट 10% करो तो भी वही अमाउंट आएगी। देखो, डिविजेबल प्रॉफिट है 1,50,000 इनटू 10%, सो 1,50,000 का 10% करो आया 15,000, राइट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि डिविजेबल प्रॉफिट है तो डायरेक्ट 10% करते हैं, और नेट प्रॉफिट है तो 10/110 करते हैं। अभी सम खत्म नहीं हुआ, हमको हितेश का प्रॉफिट भी फाइंड करना है। हितेश प्रॉफिट, हितेश को कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो डिविजेबल प्रॉफिट है 1,50,000 इंटू उनका शेयर। हितेश का शेयर कितना है, पीएनएल रेशियो। सो यहाँ पे हमको कहीं पे भी पीएनएल रेशियो नहीं दिया है, राइट। सो नहीं दिया है तो तीनों पार्टनर्स को इक्वल प्रपोर्शन में मिलेगा। इक्वल प्रपोर्शन यानी कि 1:1:1 यानी कि 1/3, 1/3 एंड 1/3। तो हितेश को मिलेगा 1,50,000 इंटू 1/3, तो उसको प्रॉफिट मिला 50,000। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि हितेश को टोटल कितनी अमाउंट मिलेगी, चलिए वो देखते हैं। तो टोटल अमाउंट ऑफ हितेश, तो उसको मिलेगा प्रॉफिट और कमीशन। सो प्रॉफिट मिला 50,000 प्लस कमीशन 15,000, सो टोटल अमाउंट 65,000 हितेश को मिलेगी। ओके, सो ये था हमारा नंबर टू। अब देखते हैं सम नंबर थ्री। तो नंबर थ्री, द पीएनएल रेशियो ऑफ जयेश, सुरेश एंड पंकज इज 6:2:3। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म, जयेश सुरेश पंकज 6:2:3। तो 6+2 8, 8+3 11, सो डिवाइड बाय 11। अ मैनेजर हैज रिसीव हिज कमीशन ऑफ ₹6,600 एट 10% आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। यहाँ पे हमको मैनेजर को 10% के हिसाब से कितना कमीशन मिला है वो बोला है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे मैनेजर्स कमीशन ₹6,600 है, और हमको ये फाइंड करना है कि डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करके हर एक पार्टनर्स को कितना मिलेगा। तो आगे के सामने मैंने आपको बोला था कि डिविजिबल प्रॉफिट का जितना परसेंट बोला है उतना परसेंट करोगे तो मैनेजर का कमीशन मिलेगा। कुछ इस तरीके से मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू, सॉरी, मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट इंटू, यहाँ पे 10% बोला है तो इंटू 10%। सो मैनेजर का कमीशन था 6,600 इज इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट इंटू
10%। ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, तो 6600 डिवाइड बाय 10% कीजिए, सो आंसर मिलेगा 66,000। सो इसको हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। सो यहाँ पे हमको डिविजिबल प्रॉफिट मिल चुका है। सो अब हम इसको पार्टनर्स के बीच में शेयर करेंगे। सो यहाँ पे पार्टनर्स हैं जयेश, सुरेश एंड पंकज। 66,000 इंटू उसका शेयर है 6/11, 66,000 इंटू इसका है 2/11 एंड पंकज का है 66,000 इंटू 3/11। चलिए 66,000 इंटू 6/11 करते हैं, कितना मिलेगा देखो जरा, तो उसका आंसर रहेगा 36,000। सेकंड 66,000 इंटू 2/11 12,000। 66,000 इंटू 3/11 18,000। सो यहाँ पे मिल गया तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट। सो ये था हमारा सम नंबर 3। अब देखते हैं नंबर 4। सो नंबर 4 कुछ इस तरीके से है, शीला, सुरभि एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग पीएनएल इन द रेशियो ऑफ 5:7:9। तो यहाँ पे लिख रहा हूं शीला, सुरभि एंड सीमा, रेशियो है 5:7:9। 5+7=12, 12+9=21। ओके, अ मैनेजर संकेत इज एंटाइट टू रिसीव अ 10% कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच कमीशन। सुरभि रिसीव अ शेयर इन द प्रॉफिट। देखो यहाँ पे बोला है कि मैनेजर को 10% कमीशन देना है आफ्टर डिडक्शन। अगर हमको यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया होगा तो 10/110 करेंगे, और डिविजिबल प्रॉफिट होगा तो डायरेक्टली 10% करेंगे। तो उसके लिए आगे ऐसा बोला है कि सुरभि रिसीव अ शेयर इन प्रॉफिट ₹7,000। यानी सुरभि है, सुरभि उसको प्रॉफिट उसके शेयर के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है 7,000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ संकेत, यानी कि संकेत का कमीशन फाइंड करना है। ऑल्सो डिटरमाइन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर द कमीशन ऑफ मैनेजर, और फाइंड करना है कि मैनेजर को कमीशन देने से पहले कितना है। तो चलिए इसको हम सीधे तरीके से देखते हैं। तो सुरभि का प्रॉफिट दिया है, तो अगर सुरभि का प्रॉफिट हमको फाइंड करना होता तो हम कैसे फाइंड करते, तो ऐसे कुछ करते थे। आगे के सामने हमें देखा सुरभिस प्रॉफिट इज इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट इनटू उसका शेयर 7/21। आगे के सम में देखो कुछ ऐसा ही हमने किया था, डिविजिबल प्रॉफिट इनटू शेयर, डिविजिबल प्रॉफिट इनटू शेयर, डिविजिबल प्रॉफिट इनटू शेयर। तो जयेश का प्रॉफिट मिला, सुरेश का मिला और पंकज का मिला। हमको यहाँ पे उल्टा दिया है, सुरभि का प्रॉफिट दिया है, तो उसकी अमाउंट लिखेंगे 7,000 इज इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट इंटू 7/21। सो ये 21 डिवाइड में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो ऐसा कुछ आएगा 7,000 इंटू 21 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट। सो आंसर इज अ 21,000। सो 21,000 हमको मिल गया डिविजिबल प्रॉफिट। अब हमको फाइंड करना है मैनेजर का कमीशन। सो मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट मिला है, तो डिविजिबल प्रॉफिट इनटू 10%। सो 21,000 इनटू 10%, सो अमाउंट इज अ 2100, यानी कि 2100 ये मिल गया मैनेजर का कमीशन। अब हमको क्या बोला है, तो यहाँ पे ऐसा बोला है ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर द कमीशन ऑफ मैनेजर, मैनेजर को कमीशन देने के पहले की अमाउंट, मैनेजर को कमीशन देने के पहले की अमाउंट को बोलते हैं नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैसे मिलेगा, सो डिविजिबल जो प्रॉफिट है
उसमें हम कमीशन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब तक क्या था, नेट प्रॉफिट था और कमीशन था, तो हम क्या करते थे, नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करते थे तो डिविजिबल प्रॉफिट मिलता था। यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट है, उस पर कमीशन प्लस करेंगे तो मिलेगा नेट प्रॉफिट। सो डिविजिबल प्रॉफिट 21,000, कमीशन 2100, सो अमाउंट इज 23,100। तो यहाँ पे जो बोला था वो हमने फाइंड किया। सो ये था नंबर 4। अब हम देखेंगे नंबर 5। सो देखते हैं नंबर 5। रिया, दिलीप एंड कीर्तन आर पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ शेयर ऑफ दिलीप। ये कुछ नया आया, अब तक ऐसा कुछ हमने देखा नहीं था, अब तक ऐसा कुछ नहीं था, ये नया है। द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ शेयर ऑफ दिलीप। सो यहां पे हम फिर से लिखते हैं, द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ शेयर ऑफ दिलीप, राइट। और बोला है एंड द शेयर ऑफ रिया इज डबल ऑफ शेयर ऑफ कीर्तन। शेयर ऑफ रिया इज डबल ऑफ शेयर ऑफ कीर्तन। सो डबल यानी कि 2/1। अब इसको ये दिया है हमको PNL रेशियो, बट सीधे से नहीं बताया है, तो इसको पहले हम फाइंड करेंगे PNL रेशियो। उसके बाद द डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर्स इफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ ईयर वॉज 1,92,000। यहाँ पे हमको प्रॉफिट दिया है और हर एक पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा वो फाइंड करना है, तो उसके लिए हमको पहले चाहिए PNL रेशियो। तो चलिए इसको सॉल्व करने की हमारे पास कुछ अलग ही मेथड है। तो फर्स्ट में जो लास्ट नाम दिया है उसको एज्यूम कर लो, एज्यूम दिलीप्स प्रॉफिट इज इक्वल टू, कितना करना है तो दोनों में डिवाइड वाली जो अमाउंट है उसका मल्टीप्लाई करो। सो डिवाइड वाली अमाउंट है 5 and 1, तो 5 into 1 कितना मिलेगा 5। ऐसा कोई भी सम हो ये मेथड यूज करो, इजी हो जाएगा, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। सो फर्स्ट जो दिया है उसमें लास्ट वाला नाम सिलेक्ट किया, डिवाइड वाली जो अमाउंट है उसका मल्टीप्लाई किया, सो हमको मिल गया दिलीप प्रॉफिट 5 rupees। ओके, अब हमको फाइंड करना है कीर्तन प्रॉफिट। तो बोला है दिलीप का जितना है उसका 1/5, तो 5 into 1/5 गया, आंसर रहेगा 1। अब हमको फाइंड करना है रियाज प्रॉफिट। सो रियाज प्रॉफिट इज इक्वल टू, रिया को कितना प्रॉफिट देना है, तो रिया प्रॉफिट इज 2/1 ऑफ शेयर ऑफ कीर्तन। कीर्तन को कितना मिल रहा है 1, उसका 2/1, 1/1 गया, आंसर इज 2। सो यहाँ पे हमको PNL का रेशियो मिल गया, रिया दिलीप एंड कीर्तन। रिया का है 2, दिलीप का है 5, कीर्तन का है 1, 2+5+1 यानी कि 8। सो ये रेशियो मिल गया। अब हम प्रॉफिट देंगे रिया दिलीप एंड कीर्तन, टोटल प्रॉफिट है यहाँ पे बोला था 1,92,000 इंटू 2/8 रिया को, 1,92,000 इंटू 5/8 दिलीप को, 1,92,000 इंटू 1/8 कीर्तन को। चलिए कीजिए 1,92,000 इंटू 2/8, सो आंसर आएगा 48,000। 1,92,000 इंटू 5/8 आंसर रहेगा 1,20,000 एंड 1,92,000 इंटू 1/8 आंसर रहेगा 24,000। सो ये हमारा फाइनल आंसर। तो आज के लिए हम इतने सम रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के सम करेंगे। सो होमवर्क आप अपने हिसाब से कंप्लीट कर देना, मैं आपको होमवर्क की डेट
एज सुन एज पॉसिबल बता दूंगा। सो जय सियाराम, जय हिंद, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में।